सब्सक्राइब करें इरफान टैक फॉर पीपल चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इरफान इस्लाम और आप देख रहे हैं इरफान टैक फॉर पीपल। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिएटर स्टूडियो के बारे में। एक छोटी सी सेटिंग है जिसके बारे में अक्सर लोग तो जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो नहीं जानते और बहुत से दोस्तों ने क्वेश्चन भी किए हैं कि ये सेटिंग कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने जो क्रिएटर स्टूडियो खोला हुआ है, यह है बीटा। तो फ्रेंड्स, बाज़ अवकात ऐसा होता है कि आप से गलती से जो क्रिएटर स्टूडियो है वो बीटा सेलेक्ट हो जाता है, या फिर फ्रेंड्स ऐसा होता है कि आपके दो चैनल होते हैं तो आप एक चैनल ओपन करते हो तो उसमें क्रिएटर स्टूडियो जो मतलब जिसमें आपको सारे फीचर मिलते हैं वो आपको मिलता है, लेकिन जैसे ही आप सेकंड वाला चैनल आप ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है जिसमें आपको सारे फीचर देखने को नहीं मिलते। तो उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिएटर स्टूडियो, ये वाला बीटा है और वो वाला क्लासिक है। तो फ्रेंड्स, अगर हमें इस तरह की सिचुएशन हो जाती है या गलती से हम सेलेक्ट कर लेते हैं बीटा वाला जो क्रिएटर स्टूडियो है वो वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हमारे दो चैनल हैं, एक पे हमारा जो है वो क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक आ रहा है और दूसरे पे बीटा आ रहा है, तो पर हम बीटा से क्लासिक पे कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं और कैसे हम अपने जो क्रिएटर स्टूडियो है रियल वाला उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आप सबसे नीचे आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे यहाँ पे आपको एक सेटिंग का आइकन नज़र आ रहा होगा सबसे नीचे। तो फ्रेंड्स, आपने इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक और यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपको क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक और यूट्यूब स्टूडियो बीटा ये दो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने बीटा के ऊपर क्लिक किया तो फिर आपका हो जाएगा बीटा, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं और ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बीटा सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम क्लासिक पे जाना चाहते हैं, मतलब क्रिएटर स्टूडियो जो है क्रिएटर स्टूडियो है रियल वाला, तो उसको अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह हमारा जो क्रिएटर स्टूडियो है वो वापस आ जाएगा, जो हमारा रियल वाला क्रिएटर स्टूडियो है वो हमें वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्रिएटर स्टूडियो वापस आ चुका है और यहाँ पर हम सारे फ्यूचर हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर ट्राई स्टूडियो बीटा लिखा हुआ है, कभी कभी गलती से इसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी क्लिक हो जाए तो फिर आप बीटा पे चले जाते हैं और फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि आप वापस नहीं आ सकते अगर आपको सेटिंग का नहीं पता। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।